क्राइम बढ़ नहीं रहा है बल्कि क्राइम की रिपोर्टिंग बढ़ रहा है। पहले बहुत से क्राइम को छिपा लेते थे सोसाइटी घर वाले, लेकिन अच्छी बात है कि पुलिस में लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है। लोग जब कोई क्राइम होता है तो थाना में आते हैं, रिपोर्ट कराते हैं, तफ्तीश होता है। हम लोग सोशल क्राइम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसमें जो कल्प्रिट है उसको हम लोग बुक करते हैं और उसको जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू उसको कन्विक्ट किया जाएगा। सर रिगार्डिंग गुजरात कोर्ट में सर इंक्वायरी क्या बुलाई गई है और कितने ऑफिसर्स को इस इंक्वायरी में जो है नेम लिस्ट किया गया है? देखिए प्रॉपर एफ आई आर लगा है। जब श्रीनगर पुलिस को 2 तारीख को पता चला तुरंत होटल में रेड मारा गया सीनियर आईपीएस ऑफिसर के नेतृत्व में और उसको पकड़ा गया रंगे हाथ। उसके बाद फेक विजिटिंग कार्ड था और उसी दिन केस रजिस्टर किया गया, अरेस्ट किया गया। 14 दिन पुलिस की रिमांड में रहा, रिग्रेस्ट इंट्रोगेशन हुआ, तफ्तीश हुआ है। अभी जुडिशियल रिमांड में जेल में बंद है पूरा और उसमें हम लोग पूरा तफ्तीश प्रोफेशनली कर रहे हैं और उसमें गुजरात पुलिस का भी हेल्प ले रहे हैं, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर एमएचए की तरफ से जो है पुलिस डिपार्टमेंट को खास तौर पर आदेश दिए गए हैं कि ऐसे भी वर्बल जो है इंफॉर्मेशन पे किसी को भी जो है सिक्योरिटी ना दी जाए। ये एसओपी पहले से है, इंस्ट्रक्शन तो बाहर पर आते रहती, लेकिन पुलिस को किसी भी वर्बल डायरेक्शन को सिक्योरिटी नहीं प्रमोट करना चाहिए, हम लोग नहीं करते हैं। जो चिप भी है उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको जो ऑफिसर इसमें मुलविस होगा जो उसको डायरेक्शन दिया गया है। इंटेलिजेंस फेलियर या सुरक्षा चूक कहा जा सकता है? देखिए इंटेलिजेंस फेलियर हम नहीं कर सकते क्योंकि ये जो फील्ड ऑफिसर के लेवल पर ये लापरवाही हुई है और इसमें कार्रवाई होगी। थैंक यू।